नमस्कार, आप देख रहे हैं क्षेत्र का नंबर वन टोहाना ब्रेकिंग न्यूज़। और जैसा कि हमारा खास कार्यक्रम है खास मुलाकात में आज हम फिर एक नए चर्चित चेहरे के साथ आपके सामने हैं। और वो चर्चित चेहरा जिसने टोहाना क्षेत्र के अंदर तो अपनी पहचान बनाई ही है और साथ में प्रदेश की राजनीति में भी अपना नाम रखते हैं, अपनी पहचान रखते हैं। और आइए आपके जो सवाल है उनका भी हम जवाब लेंगे और आपसे मिलवाते हैं। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह बबली। बबली जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो बबली जी, हम शुरुआत करेंगे पहले जो जनता के सवाल है उन पर भी आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर आप राजनीति के अंदर क्यों आए, आपका पर्सनली विचार था या आपके साथियों ने राय दी? देखिए, मेरा जन्म किसान परिवार में हुआ, मेरे फादर साहब किसान थे, खेतीबाड़ी से संबंधित बड़ा संघर्ष का जीवन है किसान का, अपने परिवार का पालन पोषण रहा। उसके साथ साथ हमारा देशभक्त परिवार है, फ्रीडम फाइटर परिवार है। हमारे ग्रैंड फादर साहब कैप्टन उमराव सिंह जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उन्हीं की शिक्षा दीक्षा, उन्हीं का खून हमारे अंदर था। उन्होंने जो हमें संस्कार दिए, उनको आगे बढ़ाते हुए फादर साहब से आगे खड़ी, जब हमें पारिवारिक जिम्मेवारियाँ, कबीलदारी की जो जिम्मेवारियाँ थी मुझे मेरे फादर साहब ने सौंपी, तो जो सेवा परिवार ने चलाई थी उसको आगे बढ़ाने का काम हमने किया। और सेवा के माध्यम से जब हम टोहाना हलका की जनता के बीच में गए और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनका अभाव जब हमने लोगों के बीच में जाके महसूस किया और जो हमने एक संगठन खड़ा किया, एक सोशल संगठन जागो दिशा सही सोच नहीं, हमारा संगठन जो भी ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको बेटियों को फ्री शिक्षा दिलवाने की बात हो या उनको शादियों में योगदान की बात या खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बात या आपका बुजुर्गों को सम्मान देने की बात या जब जब हल्के में जरूरत आई आँखों के फ्री चेकअप कैंप लगवाकर लोगों को, मतलब हर रूप में एक सेवा के माध्यम से हमारा संगठन लोगों के बीच में था। तो उस टाइम ये जरूरत महसूस साथियों की तरफ से हुई, हल्के के लोगों की तरफ से हुई, क्यों ना जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो हल्के के लोगों की डिमांड है, नुमाइंदे आते रहे जाते रहे, सरकारें बदलती रही बनती रही, वो कहीं ना कहीं ये महसूस किया जा रहा था कि वो पूरे विश्वास के साथ और पूरे ईमानदारी से हल्के में काम नहीं हो रहे। इसलिए हमें राजनीति में आके जो ये हल्का है इसको हमें, अपने हल्के को हमें चमकाना चाहिए, इसके लिए जो लोगों की ज़रूरतें उनको पूरा करना चाहिए, इसलिए हम राजनीति में आए। तो सर, 2014 में आपने चुनाव लड़ा निर्दलीय के तौर पर, उसके बाद क्या विचार आया कि आपने कांग्रेस के अंदर आप शामिल हो गए? देखिए, पहले जब हमने चुनाव लड़ा तो हमारे साथियों का यही मानना था कि हम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ें, तो हमने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। और कांग्रेस में शामिल इसलिए कि लोगों ने हमें विपक्ष की भूमिका दी, हम चुनाव लड़े, मजबूत चुनाव था, टोहाना हलका का पूरा आशीर्वाद था। इंडिपेंडेंट होने के नाते लोगों में शुरुआत होती है भी वोट आएंगे नहीं आएंगे, बहुत सी भरम थे और दूसरी पार्टी के लोगों ने जो भरम फैलाने का काम किया वो उसमें कामयाब हुए, झूठ फरेब छल चला, सच्चाई कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखी। हम सच्चाई की राजनीति करने आए थे, लोग छल और कपट की राजनीति, फरेब भाईचारे को ख़राब करने की राजनीति में, भ्रमित करने में लोगों को लगे हुए थे। कांग्रेस का एक बहुत पुराना इतिहास है, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश को आज़ाद करवाया, आज़ादी के बाद इस देश को ऊंचाइयों तक ले जाने में आज कांग्रेस का योगदान है। अब देखिए, जब देश पर आपत्ति आई, तीन युद्ध हुए, पाकिस्तान की अगर चीन की बात करें, इनको धूल चढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ही थी उस टाइम सत्ता में। और एक कांग्रेस की विचारधारा से हमारा परिवार शुरू से जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और कांग्रेस की राजनीति में आई। तो सर, अब जो विधानसभा चुनाव है सर पर है अभी, लेकिन आप जैसे कि देख रहे हैं कि बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग का दौर है, हमारे हलके की भी बात करें, लेकिन आप एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर नज़र आ रहे हैं साफ टक्कर, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता नहीं कि कैसे जो जैसे एक लहर बन गई है, मतलब उस तरीके से पेश किया जा रहा है जैसे ज्वाइनिंग हो रही है, तो आप कैसे मुकाबला करेंगे? आप मेरे ख्याल से पूरा सिस्टम देखते नहीं। बीजेपी में एक दबाव प्रेशर की ज्वाइनिंग है, वोट दिल से आदर सत्कार करके विश्वास जीत के मिलता है, डराकर धमकाकर गुंडागर्दी करके वोट नहीं मिलता। जो ये हमारे व्यापारियों को डराया धमकाया जा रहा है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, पटका सेशन कहूँगा इसको मैं, जो यहाँ बीजेपी के विधायक हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा चलवाया जा रहा है, उनके साथियों द्वारा चलवाया जा रहा है, उसे वोट हासिल नहीं कर पाएंगे वो। और जो आप ये कह रहे हैं कि एक हवा कोई नहीं है, यहाँ जिस रूप में लोगों ने इनको देख के वोट दिया था, विधायक बनाया, पार्टी ने भी इनको एक मजबूत जिम्मेवारी दी,
लेकिन हुआ क्या अटवाड़ा में, 5 साल की लोग जाएंगे, 354 वादों का जो मैनिफेस्टो है, लोग लेके खोल के खड़े होंगे इनके सामने विधायक जी, टोहाना वाले जाएंगे, बीजेपी किसे बन रहे हैं जो, जब वो लोग सवाल पूछेंगे और जो ज्वाइनिंग आप देखेंगे कि आज जिन्होंने बीजेपी की विचारधारा को समझ के या उनके बहकाव में आके या गुमराह करके या एक राष्ट्रवाद दिखा के वोट ले लिया था, अब उस बहकाव में टोहाने की जनता नहीं आएगी। देवेंद्र सिंह बबली ने लंबे समय से टोहाना लगा के जनता का दिल जीतने का काम किया, उनको सेवा करके उनको मान सम्मान देने का काम किया। अब की बार टोहाना हल्के की जनता देवेंद्र सिंह बबली को आशीर्वाद देना चाहती है। तो हल्के के जो विधायक है, अध्यक्ष भी है सुभाष बराला, वो अक्सर मीडिया में हम देखते हैं जैसे बताते हैं कि टोहाना में इतना विकास हुआ आज से पहले कभी नहीं हुआ, तो उस तो कैसे आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप घूमते हैं, आप मुझे टोहाना में एक विकास बताइए, क्या हुआ? क्या बस स्टैंड की समस्या हल हुई? क्या हॉस्पिटल की समस्या हल हुई? क्या रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, बाईपास की बात थी वो बना के दिया इन्होंने? क्या जो हमारे पानी भराव का मुद्दा था शहर का वो इन्होंने ठीक करके दिया? क्या जो सीवरेज का गंदा पानी मिक्स करके हमारे टोहाना के लोग पी के बीमार हो रहे हैं, हेपेटाइटिस सी बी के कैंसर के मरीज बनते जा रहे हैं, क्या वो इन्होंने ठीक करके दिया? क्या सरकारी स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त की? उल्टा जो कोर्सेज थे कई स्कूलों को तो इन्होंने बंद करने का काम किया, 25,000 स्कूल तो इन्होंने बंद कर दिए। ये बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते थे, खुद ही आप देख लीजिए पिछले मुद्दे इनके परिवार से क्या क्या निकल के आया, गाँव में जाके पता करिए चंडीगढ़ में क्या हुआ, क्या लोग ये चीज़ें देख रहे हैं, सब चीज़ देख रहे हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भरम फैलाना, जात पात का जहर घोलना, भाईचारे को खराब करने का काम किया और सत्ता में आके सत्ता सुख भोगने का काम किया। अपने आप को MLA बनवाया, जनता से गुमराह करके वोट ले लिया, उसके बाद पार्टी ने जिम्मेवारी दे दी। इन 5 सालों में बराला जी टोहाना हल्के का, चाहे गाँव की बात करें चाहे हम टोहाना शहर की बात करें, एक भी काम खड़े होकर बता दें कि मैंने इन 5 साल में ये करके दिखाया है जो पिछली सरकारों ने नहीं किया था। अगर कोई थोड़ी या ज़्यादा जो तर कुछ हुआ भी था वो भी कांग्रेस की सरकार में हुआ था। आज बराला जी आके लोगों के बीच में वोट मांगे कि हाँ एक इन्होंने ज़रूर काम कर लिया, यहाँ एक सिंडिकेट तैयार कर लिया, रिकवरी एजेंसियाँ इन्होंने खोल ली हैं, चाहे वो ये डी ग्रुप की भर्तियों में ईमानदारी की बात करें वहाँ तक इनके परिवारों के लोगों ने पैसे लिए थमे हुए थे लोगों से, चाहे आज डीसी रेट की बात करें, चाहे इन्होंने एक टायल कंपनी बना रखी है डमरू कंपनी, उन डमरू में कमीशन खोरी को देख, एक टायल के ऊपर दूसरा डमरू, दूसरे एक एक सड़क पर 5 बार डमरू बिछा दिए गए क्योंकि उन्होंने सेल करने, उनमें इनका 50% मार्जिन है और वो डायरेक्ट सीधा उसका फायदा यहाँ के विधायक साहब को पहुँच रहा है, उसके परिवार वाले कमीशन एजेंट के बतौर पे कमीशन एजेंट सिटवाना में रिकवरी पे काम पे लगी हुई है, माँ बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, व्यापारी भय डर के माहौल में है, युवा को रोजगार नहीं है, शिक्षा का क्षेत्र में इन्होंने कोई अगर यहाँ अचीवमेंट करके दिखाया, कोई भी काम एक काम बराला जी पब्लिक में जाके गिनाएं कि जिसके नाम पे वोट मांगेंगे। तो सर पिछली बार आप कुछ कदम रह गए थे चुनाव जीत की ओर थे, लेकिन इस बार आपने किस तरह का एजेंडा बनाया, किस तरह की तैयारियां की है जिसको लेकर आप पूरे उत्साहित? देखिए लंबे समय से आप लोगों के सामने है, हमने टोहाना की जनता की सेवा करने का काम किया और जो विपक्ष की भूमिका हमारे हरियाणा प्रदेश में या टोहाना हल्का ने हमें दिया, हमारे लीडर हैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जी हमारे दूसरे जो बड़े लीडर साहिबान हैं उनको दी, हमने उसको पूरे प्रदेश में और टोहाना हल्का में हमने बाखूबी निभाने का काम किया, क्योंकि विपक्ष की भूमिका ये होती है कि सत्ता पक्ष अहंकार में ना आए, वो तानाशाही रवैया ना अपनाए, लोगों से कमिटमेंट किए बार बार उनको याद करा के उनको पूरा कराया जाए, हमने पुरजोर ताकत के साथ उनको निभाने का काम किया है और सेवा जो हमने की है। अब की बार जनता इनके बहकाव में गुमराह नहीं होगी, अब की बार जनता सही फैसला लेगी। तो बबली जी कुछ सवाल आए हैं हमारे दर्शकों के, तो वो भी आपसे जानना चाहेंगे, हमारे हल्के के ही है परमजीत समैन, आपसे जानना चाहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो टोहाना के अंदर आप सबसे पहले कौन सा कार्य करोगे? देखिए आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने एक प्रोग्राम की शुरुआत की, मेरा टोहाना मेरा मैनिफेस्टो है, टोहाना हल्कावासी बोल रहे हैं, हमने उसके जरिए हर गाँव में जो समस्याएँ हैं और जो शहर के हमारे वार्डों की समस्याएं हैं उनका एक पूरा लेखा जोखा हमारी ये टीम इकट्ठा करके देगी, एक पूरा टोहाने का एक मैनिफेस्टो, जो एक नया एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है, शायद ये पहली बार टोहाना हल्का में शुरू हुआ है, हम उन सभी कामों को देख के जिसमें हमें महसूस होगा कि इसको प्राथमिकता से लेना चाहिए, हम जनता के ऐसे सुझाव लेके उसको प्राथमिकता से लेके उन पर काम शुरू करेंगे। तो बबली जी अगला सवाल है, ये विपिन शर्मा है टोहाना से ही, ये जानना चाहते हैं कि क्या आप जीतने के बाद जनता दरबार लगाएंगे ताकि हर एक छोटे से लेकर बड़ा तबका तक आपसे रूबरू हो सके? बिल्कुल, देखिए आज बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम जहां चाहे वार्ड की बात करें वार्ड में जाकर या गांव की बात करें गांव में जाकर ही लोगों के बीच में बैठ के उसको अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो बिल्कुल जनता के बीच में प्रशासन और शासन जाएगा और जनता की सेवा करेगा। तो ब्रिजपाल जी अजाकल से, इनका सवाल है कि जो
टोहाना में है, विपक्ष है, वो हम देख रहे हैं कि कमज़ोर रहा है पिछले 5 सालों में। बिल्कुल कमज़ोर नहीं रहा। जब जब टोहाना में कोई ज़रूरत पड़ी विपक्ष की भूमिका की, जहाँ जरूरत थी प्रदर्शन की जरूरत थी या कोई बात करने की जरूरत थी, अब टोहाना में दाखिल में मुद्दे उठे थे हमारे लड़कियों के स्कूल को लेकर, हमारे सारे साथी वहीं थे, हमारा पूरा संगठन वहाँ खड़ा हुआ और उसका पुरजोर विरोध किया गया था। और मैं एक बात और भी कहता हूँ कि कई बार ये सोचते हैं कि सड़कों पर खड़े रहें या सड़कों पर धरने लगाए रखें, वहाँ जब ज़रूरत पड़े उस धरने की भी ज़रूरत है, लेकिन हर रोज़ आप फोटो सेशन के लिए धरने या सड़कों पर उतर रहे हैं, ऐसे बबली ऐसी राजनीति नहीं करता, बबली विकास की राजनीति करता। अगर मेरा आज सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, अगर ये कोई सही काम करते तो बबली को स्टेज से इनकी बढ़ाई करने में कोई कोताही नहीं, अच्छे काम की होती तो हम बढ़ाई भी कर देते बगैर मतलब का एक विरोध करके, या ऐसी राजनीति की सिर्फ और सिर्फ हमने एक अखबारों की सुर्खियों में आना, मीडिया में आना, ऐसी राजनीति देवेंद्र सिंह बबली की सोच नहीं। बबली की सोच विकास की है, टोहाना के काम हो, लोगों को मान सम्मान मिले, ऐसी राजनीति करने आए हूँ। और जहाँ जरूरत है वहाँ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, आने वाले समय भी खड़ा रहूँगा। जी सर, और अगला चुनाव, अगला सवाल है सर, जय भगवान पूछ रहे हैं, चुनाव में हर नेता जो है वादे करता है लेकिन बाद में बदल जाता है, लोग कैसे यकीन करें कि आप भी ऐसे ही विकास कार्य करवाएंगे जो वादे कर रहे हैं? देखिए, आप मुझे नहीं कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे ग्राउंड पे रियलिटी क्या है, हम उसको वोट के टाइम पे अनदेखा कर देते हैं। भ्रमित करने वाले लोग ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। जैसे हमने आज़ाद लड़ा चुनाव, हम जो बात कर रहे थे वो आज प्रूव हो रही है। हमने कहा था आप अगर इनको वोट देके ताकत देने का काम करेंगे तो 5 साल में इनकी खुद की गत सुधरेगी, और वही हुआ है। टोहाना यहाँ का यहाँ है, उनकी गत सुधरी है। हमने लोगों से एक बात कही थी कि हम लोग, मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, किसान मजदूर की समस्या क्या है, छोटे लेवल पे या किसी लेवल पे जाके मैंने अपना व्यापार स्थापित किया, व्यापारी की समस्या क्या है मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं यहाँ कमीशन खोरी की दुकान से जाने नहीं आया हूँ, मैं आपकी सेवा करने आया हूँ। और जो मैं शब्द कहूँगा, आज तक 10 साल की मेरी रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास होगी, बबली ने कभी भी लोभ लालच दे के लोगों से वोट नहीं मांगे, सिर्फ ये बात कही है कि आप लोगों को आपके हक की जो लड़ाई है वो देवेंद्र सिंह बबली ईमानदार से लड़के टोहाना में लेके आने का काम करेगा। इसलिए दूसरे नेताओं में देवेंद्र सिंह बबली में फ़र्क है कि वो सत्ता सुख की राजनीति के लिए है, देवेंद्र सिंह बबली सत्ता की सेवा के लिए राजनीति में है। इसलिए जो मैं कहूँगा वो करके दिखाऊंगा। तो बबली जी, आखिरी सवाल, ये हमारे मिट्ठू सिंह पूछ रहे हैं कि कांग्रेस का सच्चा सिपाही टोहाना में किसको माने, बबली को या परमवीर को? देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की विचारधारा में किसी की भी आस्था रह सकती है, सभी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और सबको अपने अपने तरीके से काम करने का हमारा संविधान भी आज़ादी देता है और हमारी पार्टी का संविधान भी आज़ादी देता है। सिपाही हम देश के भी सच्चे थे, टोहाना के लोगों के भी लिए सच्चे हैं और पार्टी के लिए भी सच्चे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बबली जी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ देवेंद्र सिंह बबली खास मुलाकात में, और आगे फिर खास मुलाकात में हम एक नए चर्चित चेहरे के साथ आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए टोहाना ब्रेकिंग न्यूज़।